नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति का सपना होता है बड़ा गोरा चिट्टा हो, उसकी स्किन बहुत चमके, और जने इसके लिए कितना ट्यूब लगाता है, 2,500-4,000 तक के ट्यूब लगा के लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं, और मैं उनका उससे काम बनता नहीं देखता हूँ। मैं आपको बताऊँगा होम्योपैथी में अपने रंग को गोरा करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो वास्तव में कारगर हैं, आपके रंग को फेयर कर देंगी, आपकी स्किन को ग्लो कराने लगेंगी, चमकाने लगेंगी। दवाएं बताने से पहले साथियों, हम आपको बता दें कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना न लीजिएगा, कि हो सकता है कभी आपका सिम्टम हमारी बताई हुई दवा से भिन्न हो और वह दवा आपको नुकसान कर जाए जो आपके भले के लिए बताई जा रही है। साथियों, बताते हैं आपको आपका सपना पूरा करने के उपाय के बारे में, रास्ते के बारे में बताते हैं आपको 10 कारगर होम्योपैथिक दवा फॉर ग्लोइंग स्किन, फॉर फेयर स्किन। सबसे पहली साथियों, जो नंबर एक दवा है होम्योपैथी में आपकी स्किन को गोरा करने की, वह है आयोडम। अगर आपका रंग काला है, ढका हुआ है और आप अपने में थोड़ी हीन भावना महसूस कर रही हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप आयोडम 1 mg पावर की एक खुराक वीकली ले लें। आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर जादू हो गया, 3 महीने के अंदर आपकी स्किन का रंग खुलने लगा। आयोडम 1 mg पावर में बहुत कारगर दवा है, जिसको हम लोग अपने क्लिनिक पे देते हैं और मरीज के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं। दूसरी कारगर होम्योपैथिक दवा जिसको दरकिनार नहीं करा जा सकता, जो कि नंबर एक दवा के बराबर ही है, वह है बर्बरिस एक्यूफोलियम। आपके चेहरे का कोई भी निशान हो, कोई भी दाग हो, किसी भी तरह का निशान हो, अगर बर्बरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर आप 10-10 बूंद दिन में 2 बार पी रहे हैं, और बर्बरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर 1 चम्मच पानी में डाल के 4 बूंद उसकी डाल के उसको कॉटन से अपने चेहरे पे लगाए ले रहे हैं, तो उससे अच्छी क्रीम नहीं हो सकती, एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वह आपके चेहरे के सारे जो एक्नी, पिंपल, सबके दाग होंगे, प्लस जो चेहरे का खोया हुआ ग्लो होगा, उसको वापस ले आएगा और आपको चमकता हुआ बना देगा, जैसा कि लक्स साबुन के एडवर्टीजमेंट में महिलाएं दिखती हैं एडवर्टीजमेंट करती हुई लक्स साबुन का। और अब एक दवा कि सारी दवाएं फेल हो जाएं, मानिए कोई दवा काम नहीं कर रही और आपको अपने स्किन का रंग गोरा चाहिए, आपको अपने रंग काला महसूस होता है, उसको आपको गोरा करना हो, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में कॉम्बिनेशन है साथियों, 2 दवा का जादुई, लाइकोपोडियम और कॉस्टिकम। आप लाइकोपोडियम 30 और कॉस्टिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से सारी दवाओं के फेल होने के बाद भी अगर आप ये दवाएं 2 ले लें, आपको 3-4-6 महीने के अंदर आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा और आप पहले से कॉन्फिडेंट होंगी। एक कंडीशन आती है साथियों की, जब आप ये समझती हो कि आपकी स्किन बहुत डल है, रंग तो ढका हुआ है ही है, साथ में उसमें चमक नहीं है, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है और एक डलनेस है स्किन में, एक गंदा सा लुक है स्किन का, उस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, कुछ दिन इसको करते रहें, आप ऐसा ही करते रहें, आप देखेंगे कि आपका स्किन का जो डर्टी लुक है वह भी खत्म हो गया और आपकी स्किन ग्लो करने लगी और उसका कॉम्प्लेक्शन खुल गया। सल्फर का पेशेंट नॉर्मली मीठा उसको खाना पसंद होता है, नहाना उसे पसंद नहीं होता है, रात में जागता है और दिन में सोता है, और थोड़ा सा एक चिड़चिड़ापन होता है। यह स्थिति अगर आप में है तो आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने की दवा निश्चित रूप से सल्फर है। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि जब आपके धूप के कारण आपका रंग ढक गया हो, धूप में आपका बहुत काम होता हो, एक्सटर्नल जॉब हो, बहुत सी MR होती है महिलाएं, बहुत से ऐसे जॉब होते हैं जो सड़क पे धूप पे चाहे ना चाहे जाना पड़ता है, अगर वह स्थिति है और उससे आपका चेहरे का रंग ढक गया है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं, नेट्रम्यूर और लाइकोपोडियम। नेट्रम्यूर 1 mg 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप धूप के कारण अपनी स्किन को खराब होने की उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको नमक खाने में ज़्यादा पसंद हो, आप में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता हो, वह अगर आपका मेंटल सिम्टम है और आपको गर्मी बहुत लगती हो, अगर आपका वह मेंटल सिम्टम है, तो आपकी दवा नेट्रम्यूर है। नेट्रम्यूर 1 mg की 3 खुराक वीकली 5-5 मिनट के फासले पर आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। दूसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की लाइकोपोडियम 30 है। लाइकोपोडियम 30
धूप के बैड इफेक्ट्स में आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपका पेट खराब रहता हो, आपके पेट में गैस बहुत बनती हो, गुड़गुड़ाहट रहती हो और फिर आप धूप में निकलते हो तो आपका रंग काला हो गया हो, तो वह सिम्टम अगर आप में है तो उसकी दवा लाइकोपोडियम 30 है। और तीसरी जो कि नंबर एक दवा है धूप के कारण स्किन के कॉम्प्लेक्शन डार्क होने की और साथ में सरदर्द भी होने की, वह है ग्लोनाइन। आप ग्लोनाइन 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले ले, उससे भी आप देखेंगे आपको बहुत लाभ पहुंचा और आपका स्किन बिल्कुल बढ़िया चमकदार हो गई और धूप का सारा बैड इफेक्ट स्किन पे खत्म हो गया। फिर एक कंडीशन आती है साथियों, स्किन में एक तो रंग ढका हुआ है, वो इतने दाने निकल रहे हैं, दाने से मवाद निकल रहा है, मवाद के बाद वो काले स्कार छोड़े दे रहे हैं और आपकी स्किन में जगह जगह धब्बे हो गए हैं, कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो गया है। तो अगर यह स्थिति आप में साथियों हो कि आपका स्किन ऑयली हो, ग्रीसी हो, बहुत ज़्यादा पोर्स ब्लॉक हो जाते हो ऑयली ग्लैंड्स के सिक्रीशन से और उसके बाद आप अपने में तकलीफ पाते हो, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सोरेनियम है। अब सोरेनियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट पे वीकली ले लें, आप पाएंगे ये साथियों मिट्टी का कुल्लड़ है। अगर आपको जीवन का वास्तविक मजा लेना है तो पानी कुल्लड़ में पिया करें, बड़े शहरों में थोड़ा मुश्किल से मिलेगा लेकिन मिलेगा। यह वाटर को सबसे अच्छी क्वालिटी में रखता है और दूसरा स्किन को ग्लो कराने के लिए ये विकल्प है। ये एक जग है साथियों जो कि जिसमें अंदर कॉपर है, तो ये जो तांबा लगा हुआ है अभी देखा गया है इज़राइल वगैरह में कि इसकी चर्निंग होती है, वाटर अपना बिहेवियर, वाटर हैज़ अ मेमोरी, तो वो चर्निंग कॉपर के बर्तनों में, वो लोग यूटेंसिल्स में बड़े बड़े ड्रम्स में करते हैं, तो ये कॉपर का आप जग ले सकते हैं और उसके साथ आप ये मिट्टी के इसमें सकोरे में पानी कुल्लड़ में पी सकते हैं, जो कि अब तो बड़े बड़े होटलों में भी इसी में दिया जाता है, जो कि आपको लाभ देगा। तो हम बात कर रहे थे सोरेनियम की। अगर आपके चेहरे पे बहुत दाने निकल रहे हैं, स्किन ऑयली ग्रीसी है, उस स्थिति में बड़ा डर्टी सा स्किन का लुक है, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में वास्तविक कारगर दवा सोरेनियम है। आप वीकली सोरेनियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे ले लें, आप देखेंगे कि आपका दाना निकलना बंद हो गया, स्कार चले गए और आपकी स्किन चमक गई। एक और प्रीमियम दवा है आपके डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन को ठीक करने की, वह है सरसा पेरिला। अगर आपका स्किन डार्क है तो आप आयोडम और सरसेला पेरिला 30 पावर 2 बूंद दिन में 3 बार इसका कॉम्बिनेशन यूज कर ले, आप देखेंगे कि आपका रंग चमक गया। फिर साथियों एक शिकायत रहती है हमारे यहाँ माताओं बहनों को कि कुछ दिन तक उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करा, उसके बाद उसकी स्किन में झुर्रियाँ आ गई, पूरी सब झुर्रियाँ आ गई हैं और वह बहुत परेशान रहती हैं। तो यह कंडीशन अगर आप में हो, ये खास तौर से मुंबई वालों और दिल्ली वालों के लिए मैं कहूँगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ होते हैं, हम लोग तो छोटे शहर के हैं लेकिन बड़े शहरों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो अगर इसके कारण आपकी स्किन का आप बिल्कुल रेड़ लगा दिए हैं, वाट लगा दिए हैं, अगर यह कंडीशन है तो उस स्थिति में आपकी दवा है बोविस्टा। आप बोविस्टा 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, उससे बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स खत्म हो जाएगा और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और आगे से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स ना लगाएं। ये कंपनियां जो सब कॉस्मेटिक बेचती हैं 1,500-2,000 के ट्यूब, ये उनको लाते हैं जो पहले से बहुत खूबसूरत है और आदमी उसको लगा के वैसे ही बनने की कोशिश करता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो पाता। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा पहने, अच्छा सोचें, आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्किन चमकेगी और आपका मेहनत का पैसा महंगे कॉस्मेटिक्स में बर्बाद नहीं होगा। और तमाम संतरा मौसमी सबके छिलके और पल्प होती है, आप अगर इसी का इस्तेमाल कर ले तो इससे बढ़िया विकल्प नहीं है कोई। बहरहाल बोविस्टा बहुत अच्छी दवा है, आप बोविस्टा 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। जब आप बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव मेकअप आपके जीवन में रहा है और उससे आपकी स्किन खराब हुई है। फिर साथियों एक स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क होने का, पूरे चेहरे पे झाइयाँ आ गई हैं, कालापन आ गया है, तो अगर यह स्थिति आप में हो कि झाइयों के कारण चेहरा पूरा ढक गया है और रंग बड़ा गंदा दिखता है, उस स्थिति को दूर करने की दवा सीपिया है। सीपिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपकी चेहरे की झाइयाँ भी चली जाएंगी और आप पूरी तरह चमक जाएंगे
और आपका स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली जो है वो लोगों के बीच खड़े हो पाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके चेहरे पे इतना दाने निकले कि गड्ढे बन गए और निशान पड़ गए और चेहरा भी रंग ढक गया। तो अगर यह स्थिति आप में महसूस हो कि आप अपने चेहरे को रंग को ढका मानते हो उस कंडीशन में जब आपका इतने दाने निकलते हो कि गड्ढे निशान रंग सब एक साथ लगता हो, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा काली ब्रोम है और सैलिसिया है। काली ब्रोम 30 पावर में और सैलिसिया 200 पावर में दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले लें कि जब आपके चेहरे पे बहुत गड्ढे हो गए हों, बहुत निशान हो गए हों, बहुत दाने निकलते हों, उससे पूरे चेहरे का रंग आप ढका महसूस करते हों, काली ब्रोम नंबर 1 दवा है। काली ब्रोम 30 दो बूंद दिन में 3 बार आपके चेहरे को चमका देगी जब भी बैड इफेक्ट्स ऑफ पिंपल्स आपके चेहरे पे आया हो और आप पहले से कॉन्फिडेंट होंगे। ये कुछ दवाएं थी हमारी तरफ से जो मुझे छोटी मोटी जानकारी है आपके लिए। अगर आपको मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकती हैं या नोटिफिकेशन पैनल में लिख सकती हैं, हमें उसका संतोषजनक जवाब देने में आपको बहुत प्रसन्नता होगी। अगर साथियों आपको होम्योपैथी को आपके करीब लाने का यह हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर सबसे पहले इन नए वीडियोस पाते रहिए। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।